नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, ऑल इंडिया डाक विभाग के अंदर बहुत पदों पर वैकेंसियां आती है हर साल, GDS के पदों पर। साल 2023 में 1,00,000 के एप्रोक्स भर्तियां आई, बिना परीक्षा डायरेक्ट अभ्यर्थियों की नौकरी लग गई और अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। साल 2023 में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। जिस प्रकार आपने पोस्टर में देखा है कि 2024 में शुरुआत जनवरी में 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती आएगी, बिना परीक्षा 10वीं पास फिर से नौकरी लगेगा। आइए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, ओनली इसी चैनल पर आपको ये जानकारी मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। झूठी अफवाहों से अगर बचना है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन वाला बटन प्रेस जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS न्यू वैकेंसी 2023 एंड 2024 की। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, 10वीं पास इसमें फॉर्म अप्लाई करता है, 10वीं की परसेंटेज को देखकर इसमें सिलेक्शन हो जाता है। 2023 की बात कर रहा हूं, 2023 में 3-3 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। पहला नोटिफिकेशन जनवरी माह में आया साइकिल 5 के नाम से, 40,889 स्टूडेंट्स की नौकरी लगी थी। स्पेशल ड्राइव मई जून में आया था, जिसकी अभी प्रोसेस चल रही है। सेकंड लिस्ट आई है, थर्ड लिस्ट आने वाली है, इसमें 12,828 अभ्यर्थियों की नौकरी लगेगी। शेड्यूल सेकंड जुलाई 2023 अभी जारी हुआ है, जिसके फॉर्म चल रहे हैं। अगर फॉर्म नहीं भरा तो भर देना, 23 अगस्त लास्ट डेट है, इसमें 30,041 अभ्यर्थी नौकरी लेंगे। 2023 में 3-3 नोटिफिकेशन आ गए हैं ग्रामीण डाक सेवक GDS के। इसमें बात करूं 83,758 युवाओं की सरकारी नौकरी लग गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा रोजगार मेले लगाए गए हैं 6। इन 6 रोजगार मेलों के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी किए गए हैं। इन अपॉइंटमेंट लेटर की बात करूं तो ये 68,225 स्टूडेंट्स को जारी हुए हैं। अपॉइंटमेंट लेटर अलग अलग प्रकार के पदों में जारी हुए हैं, जैसे डाक विभाग में आता है PA यानी कि पोस्टल असिस्टेंट, SA यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसे SSC एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है तो इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला। MTS और पोस्टमैन के पद पर जो डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू प्रमोशन लिए उनको अपॉइंटमेंट मिला, और GDS के पद पर जो कहीं ना कहीं नौकरी लगे उनको अपॉइंटमेंट मिला। भारत सरकार के द्वारा ये 6 रोजगार मेले जो है लगाए गए, इनमें ध्यान देना दोस्तों। यहां पर मैं साफ साफ आपको बताऊं कि डाक विभाग का प्लान, था कि साल 2023 के दिसंबर माह तक हम 1,07,000 पदों पर कहीं ना कहीं GDS की भर्ती निकालेंगे, यानी कि 1,07,000 देश की युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे डाक विभाग GDS के पद पर, बिना परीक्षा डायरेक्ट उनका सिलेक्शन हम ले लेंगे। 1,07,000 में से 83,758 तो इन तीनों नोटिफिकेशन से नौकरी मिल रही है, फिर भी अभी 1,07,000 का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ डाक विभाग का। इसलिए मेरे दोस्त, जिसका भी 2023 में चयन नहीं हो सका, घबराए नहीं, फिर से कहीं ना कहीं बंपर भर्ती का पिटारा खुलेगा इंडिया पोस्ट के अंदर। साल 2023 की, साल 2024 की बात करूं दोस्तों, यहां पर जनवरी माह में फिर से एक बंपर भर्ती आ रही है डाक विभाग, ग्रामीण डाक सेवक BPM AVPM और डाक सेवक की। आपको बता देता हूं, ऑल इंडिया पोस्ट ऑफिस बहुत सारे खुल चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खुले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, उनके कैरियर से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रचार करना, सरकार विभिन्न पोस्ट ऑफिस खोल चुकी है गांव गांव, ढानी ढानी, शहरों शहरों में।
जब नए नए पोस्ट ऑफिस खुल गए तो उनमें कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ रही है। कर्मचारी बोले तो जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। जनवरी माह में भर्ती आएगी जीडीएस की। जीडीएस में बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक तीनों ही पद होते हैं। जनवरी में फर्स्ट नोटिफिकेशन आएगा 60,000 पदों पर और यह सीधी भर्ती होगी। चर्चा का विषय बना हुआ है क्या 2024 में भर्ती आएगी जीडीएस की, उसमें 10th पास रहेगा या 12th पास। दोस्तों 10th पास ही रहेगा, इसमें 12वीं पास क्वालिफिकेशन नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया अगर देखी जाए तो वही आपका मेरिट बनेगी। 10th की परसेंटेज से कोई भी एग्जाम्स फिजिकल इंटरव्यू नहीं होगा। मेरिट की बात करूं तो इसमें 61% वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराए नहीं। आपकी जो मांग है कि कोरोना प्रमोट स्टूडेंट्स जो है, यानी कि जिन्होंने 10वीं से डायरेक्ट 11वीं में प्रवेश ले लिया है, उनकी क्या है 100% बना दी। अब 100% हर साल जो वैकेंसी आ रही है जीडीएस की, बाकी स्टूडेंट्स की सीटें छीन रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ किया जाएगा। हम हमेशा मेहनत कर रहे हैं कि 100% वालों को अलग से कोटा दिया जाए। तो 60% वालों घबराए नहीं, आपका कहीं ना कहीं सपना पूरा होगा। टेंशन ना कीजिए, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट जनवरी में आएगा 60,000 के अप्रोक्स पदों पर। इतना ही नहीं, सेकंड, थर्ड तीन तीन इसमें नोटिफिकेशन आएंगे 2024 में, क्योंकि 2023 में भी तीन तीन नोटिफिकेशन जारी हुए। और वहीं 1,00,000 प्लस सरकारी नौकरियों का लक्ष्य होगा साल 2023 में जीडीएस के पद पर। चुनाव है दोस्तों लोकसभा के, और कहीं ना कहीं सरकार चाहेगी कि रोजगार मेलों के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाए। और जीडीएस की एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें कोई खर्चा नहीं, कोई नहीं, सरकार का कोई नहीं होता, केवल जो है फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, डायरेक्ट नौकरी दे देते हैं। सरकार को कहने के लिए हो जाएगा, देखिए हमने 2023 में यहां पर 83,000 पदों पर भर्तियां युवाओं को नौकरी दी, देखिए हमने 2024 में 1,00,000 युवाओं को सरकारी दी नौकरी दी, तो वास्तव में दी है। तो इस प्रकार से सरकार भी बहुत होशियार है, चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जीडीएस की बम्पर भर्ती आ रही है। आपको भी इंतजार है इन ऐसी नई भर्तियों का। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, यहां पर सच्चाई के साथ हर अपडेट आपको दिया जाएगा, वो भी ऑफिशियली। ये मेरा कहना नहीं है, कहीं ना कहीं से ये खबर आई है कि जो है जनवरी में फिर से 2024 में जीडीएस की भर्ती आएगी। इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है दोस्तों। हंसते खिलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। अभी तक आप इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े तो एक बार जुड़कर देख लीजिए। सच्चाई का झंडा फहराएंगे और झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।